सुनीति आज बिलक बिलक के रो रही है और कहने लगी, प्रभु अरे हुई गए हमारे अपनी आओ हुई गए हमारे और सजन बा सब कोई पाचे चिटिया पतिया कोई पाचे चिटिया पतिया सब कोई पाचे करम बाप करम बाप पाचे न कोई हमार सजन बाप तेरी हुई गए हमार सजन बाप तेरी हुई गए हमार रखना भगवत प्रेमियों। आज महारानी सुनीति अपनी रानी के पास में घुटनों को टेक करके बैठ गए। रानी सुनीति ने अपना सर लिया, महाराज की गोदी में ढुरका दिया। जब महाराज की गोदी में ढुरका दिया और महाराज अपनी रानी की लटों से खेलने लगे और रानी सुनीति सर रखे ही रखे रोने लगे। जब गरम गरम आंसू महाराज की जंघों पे पड़े, महाराज ने अपनी रानी का सर उठाया और आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, सुनीति तुम रो रही हो? कहने लगी, पिया मैं रो रही हूं। क्यों? कहने लगी, स्वामी मैंने तुम्हारी वंश को दाग लगा दिया है। महाराज कहने लगे, गोरी क्या कह रही हो तुम? कहने लगी, हां आज मेरे घोने को 14 साल हो गई, मेरे गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। महाराज कहने लगे, हे रानी आज दुख मुझे भी है। आज दुख मुझे भी है, कैसा कि जो तुम्हारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आज दुख मुझे भी है रानी। और भगवत प्रेमियों, आज महाराज कहने लगे, सुनो गोरी, ए सुन रानी की बात, कहे डरना थका कहूं तो सुन, और तेरे सुत नहीं जन्म के
किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन हे प्राण प्यारी तुम्हें नहीं मालूम, अरे जिनकी मर्जी से कमल के फूल से ब्रह्मांड प्रगटाए हो, अरे जिनकी मर्जी से नर के द्वारा हेणी गर्भाधान बही हो, अरे जिनकी मर्जी से कौरव कुंभ जैसी संतान पैदा बही हो, ऐसे लीलाधर के सामने हमारी तुम्हारी कुछ चल नहीं सकती है। इसलिए खामोश होकर के बैठ जाओ। रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी मुंह को अस्तु को बा वदरिस्तु को बा वक्तम न युक्तम समय समर्थम तत्रम न सुपुत्रम न सिडो तबाक्यम विश्वास पात्रम न किमस्त नारी। मुंह को अस्त कोबा, गूंगा कौन होता है जो उचित सीख न दे सके, वदृष्ट कोबा बहरा कौन होता है जो उचित सीख को ग्रहण न कर सके। पिया आप यही तो कहेंगे कि स्त्री विश्वास के पात्र नहीं होती है, लेकिन सैया पांच उंगलियां एक सिनाए होती है, तो क्या कहना चाहती हो तुम? कहने लगी, पिया अगर तुम मेरी एक बात मान ली तो तुम्हारी होठन पे मुस्कुराहट जरूर आ गई, जरूर आ गई। कौन सी? तो देख यार वो पतिव्रता औरत अपने पिया से क्या बोली। पिया अरे सजना मत देर लगाइयो, तुम भी आप दूस
शरू कर ली जो भोले बालू माँ, भोले बालू माँ, भोले साजना, भोले बालू माँ। जो मेरी सात दिन आंगन में आई है, जो मेरी सात दिन आंगन में आई है, आंगन में आई है, जो मेरी सात दिन आंगन में आई है, आंगन में आई है, पैदा हुई जावे, पैदा हुई जावे बाकी लाल ना भोले बालू माँ। तुम बिया तू शरो कर ली जो भोले बालू माँ, दिमाग रखना भक्तों। कहने लगी ये पिया आप दूसरी शादी कर गए। महाराज उत्तान पात खड़ी रही, खड़ी रहे और क्रोध में आकर के कहने लगी, तुमने क्या कोई नशा कर लिया? कहने लगी पिया मैंने कोई नशा नहीं किया है। फिर तुम नशा कैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो? कहने लगी हाँ, अगर आप दूसरी शादी कर लेंगी तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। महाराज कहने लगे हे भद्रे, मौत अच्छी है जो एक बार आती है लेकर के चली जाती और सब छाती दिन रात जलाती है। कहने लगी पिया अगर मेरी छोटी बहन हमसे किसी तरीका से विपरीत जाए तो मैं गंगा यमुना से बड़बड़ के गले से लगाऊंगी। और कहा बोली, यज्ञाचार जो हमें मुद्रा बाहर पहना करके व्यासपीठ पर सम्मान कर रहे भगवान सुख शांति प्रदान करे और भैया हमेशा धर्म के काम में आगे हाथ बढ़ाते रहे। अलग कर दियो, अगर मेरी सोच कब तरीका हमसे विपरीत जाए मुझे अलग कर दियो।
श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षक, आज पूरी रात हो गई, महाराज को सोने नहीं दिया। महाराज कहने लगे, सुनी थी, अब यू मान जाओ, दूसरी शादी करने के लिए मुझे बात मत करो, तुम्हारी बिल्कुल बर्बादी हो जाए। पूरी रात हो गई, कुछ हिसाब किताब भी नहीं बन पा। राजा रानी दुखी, कर्म की लिखी तरह न थारी, और कोने कोने की रात बीत गई सारी। प्रात काल जब भयो भूप उठ गयो आज तब धारी, और ख्याल राजा के जिगर में बढ़ गयो भारी। जैसे दरबार में पहुंचे, जब मंत्री की नजर पड़ी है महाराज के ऊपर, तो मंत्री बोला है।